आपको मैं सांची में भगवान गौतम बुद्ध से संबंधित बौद्ध स्तूपों के दर्शन करा रहा हूँ। आप देख सकते हैं मेरे पीछे एक बहुत बड़ा और विराट बौद्ध स्तूप है और उसके पास में कई छोटे छोटे बौद्ध स्तूप भी हैं जो मौर्य युग से संबंधित हैं और मौर्युगीन कलाकृति के अद्भुत नमूने यहाँ पर कलाकृति के रूप में आपको देखने को मिलेंगे और आपको भारत के वैभवपूर्ण इतिहास से आपका परिचय हुआ कि भारत का इतिहास कितना महान और वैभवशाली रहा है। यहाँ पर कई महात्मा और महापुरुषों ने जन्म लिया है और कई भगवानों ने भी इस पृथ्वी पे भारत देश में जन्म लिया है। उनमें से एक हैं तथागत भगवान बुद्ध, जिनको सारा संसार भगवान तथागत बुद्ध के नाम से जानता है और उन्हीं से संबंधित यहाँ पर बौद्ध स्तूप हैं जो सम्राट अशोक ने इन बौद्ध स्तूपों का निर्माण करवाया था। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कितना विराट और भव्य बौद्ध स्तूप है। उसके पास में कई छोटे छोटे बौद्ध स्तूप भी हैं जो मौर्ययुगीन कला के संस्कृति के आपको भारतीय संस्कृति के दर्शन होंगे, उसमें मौर्ययुगीन कलाओं के भी दर्शन हो जाएंगे। वहाँ की प्राचीन सभ्यता कितनी कितनी शानदार और वैभवपूर्ण रही है भारत की संस्कृति। आप देख सकते हैं पास में और भी स्तूप हैं। छोटे छोटे स्तूप भी है यहाँ पर बुद्ध कला, भगवान बुद्ध से संबंधित। भारत के सम्राट अशोक ने इन बौद्ध स्तूपों का निर्माण करवाया था जो मौर्य युग में सम्राट हुए थे। स्तूपों में काफ़ी संख्या है, उसमें कई विराट बौद्ध स्तूप भी है, कई आकार में छोटे बौद्ध स्तूप हैं जो बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। तो ये काफ़ी पर्यटन के लिए भी काफ़ी अच्छा स्थान है। यहाँ से देश विदेश के टूरिस्ट और पर्यटक भी घूमने के लिए आते हैं। तो आप भी आए और भारतीय संस्कृति के दर्शन करें। मेरे सामने बौद्ध स्तूप है विराट। आपने देखा होगा अपनी भारतीय मुद्रा नोटों पर सिंह के जो चार आकार में चार होते हैं उनकी आप देखा होगा, सारनाथ श्री स्तंभ से लिए गए हैं। उसकी प्रति यहाँ पर गौतम बौद्ध स्तूप पर एक मंदिर भी है जो बौद्धकालीन है और संभव ऐसे भी सम्राट अशोक ने इसका निर्माण भी करवाया, क्योंकि बौद्ध स्तूप के निर्माण में सम्राट अशोक जी का बहुत बड़ा योगदान रहा। उन्होंने इन स्तूपों का निर्माण करवाया जो मौर्ययुगीन सम्राट थे। तो आप देख सकते हैं मौर्ययुगीन कला की झलकी और यहाँ पर कई छोटे बड़े स्तूप है इसी आकार में। उधर भी एक स्तूप है, आप देख सकते हैं इस तरफ।
आप सभी दोस्तों और दर्शकों को मेरे फिर से नमस्ते, प्रणाम, जय हिंद, जय भारत, जय भारती। बाय दोस्तों।